जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज का ये विशेष सत्र जेपीसी 11th और 13th के जो विद्यार्थी जिन्होंने मेंस लिखा है उनके इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में है। तो उन सारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जिन्हें ये संभावना है कि वे मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनके मन में ये बात होगी कि हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। और इंटरव्यू जो कि जेपीएससी सिविल सेवा के अंतर्गत इंटरव्यू का मार्क्स जो है 100 नंबर है, राइट। तो 100 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू की तैयारी अब दो तरह से छात्र करते हैं। एक कि देखने को मिलता है कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं वे अपने मेंस के रिजल्ट का वेट करते हैं, राइट। और दूसरा कि कुछ विद्यार्थी हैं जो मेंस के रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं, और जो विद्यार्थी मेंस के रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं बल्कि वो तैयारी शुरू कर देते हैं इंटरव्यू का, ज़्यादातर देखने को मिला है कि वैसे विद्यार्थियों की जो सफलता है अपेक्षाकृत अधिक है। तो अगर आपने मेंस लिखा है और आप चाहते हैं कि इंटरव्यू का एक सिस्टमेटिक तैयारी करें, तो इंटरव्यू की सिस्टमेटिक तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्रोच इंटरव्यू। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटरव्यू जो है, प्रत्येक विद्यार्थी का जो इंटरव्यू होता है वो उनका पर्सनल होता है, राइट। कि उनकी पर्सनल जो व्यक्तित्व है उस पर्सनल व्यक्तित्व की जांच की जाती है सिविल सेवा के अंतर्गत, जो जेपीएससी है उसके जो अध्यक्ष हैं उसके मेंबर के द्वारा जो बोर्ड का गठन होता है, वह बोर्ड जो है उसके पर्सनल व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है और यह देखने का प्रयास करता है कि क्या इनका पर्सनल व्यक्तित्व जो है सिविल सेवक बनने के योग्य हैं कि नहीं है। तो चूंकि इंटरव्यू एक पर्सनल एक्सपीरियंस स्टूडेंट गैदर करता है, तो इस पर्सनल एक्सपीरियंस को जो आप गैदर करते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी जब हम करने की बात करते हैं तो ध्यान ही रखना है कि जितने भी स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, एक चीज़ तो उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके पर्सनल जो व्यक्तित्व है, पर्सनल जो उनकी पर्सनालिटी है, यानी जिसको आप बहुत सिंपल शब्द में कहते हैं कि उनके बायो डेटा जो है, इस बायो डेटा से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। और जो आपका बायो डेटा है वो आपके व्यक्तित्व का लगभग 70% जो पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। चूंकि ये पर्सनल तैयारी है, इसलिए सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपके जो बायो डेटा है, आपके जो डैफ है, उसकी तैयारी करनी है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पहलू क्या जुड़ता है कि मान लिया जाए कि आपका हम सिलेक्शन सिविल सेवा के लिए कर लेते हैं, जेपीएससी आपको कर लेती है, तो फिर आप काम कहाँ करते हैं, आप वर्क करते हैं सोसाइटी में। तो यहाँ एक पर्सनल आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वह पर्सनालिटी क्या आपकी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी से कनेक्ट करता है कि नहीं करता है। यानी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं तो दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को ध्यान में रखना है इंटरव्यू का। पहला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि आप अपनी बायोडेटा की तैयारी करें। और यहाँ जो सोसाइटी शब्द मैं यूज़ करूँ ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारे सोशल रिलेशंस है उसको तो देखना है, हमें इकोनॉमी के संदर्भ में, हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट के संदर्भ में, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट के संदर्भ में,
और उससे रिलेटेड करंट अफेयर की भी तैयारी की जाती है। तो दो एस्पेक्ट को पहले आपको ध्यान से बाइफरकेट कर लेना है और पहले हमें तैयारी करना शुरू करना है अपना पर्सनल बायोडाटा से। अब जब पर्सनल बायोडाटा की तैयारी आप करते हैं तो देखिए यहाँ पर अप्रोच जो हम लोग फॉलो करते हैं ये माइक्रो टू मैक्रो अप्रोच, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो माइक्रो से मैक्रो की ओर हम आगे बढ़ते हैं बायोडाटा के संदर्भ में। और सोसाइटी के बारे में अगर हम तैयारी करने की बात करें कि सोसाइटी के साथ आप कितना कनेक्ट करते हैं, आपका पर्सनालिटी जो है एक सिविल सेवक के अनुरूप है या नहीं है, सोसाइटी को आप कितना समझते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम को कितना आप समझते हैं और उस प्रॉब्लम को कितना बैलेंस तरीके से आप डील करते हैं, तो यहाँ जो हमारा सोशल एस्पेक्ट है जिसमें सोसाइटी के साथ इकोनॉमी पॉलिटी कल्चर और साथ ही साथ करंट अफेयर के चीज़ भी यहाँ पर होते हैं, यहाँ आपको मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच फॉलो करना है। ये मैक्रो टू माइक्रो अप्रोच का मतलब क्या है कि देखिए सोसाइटी के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, राइट, बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं, अगर इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा जो समस्या है, अगर हमारे कल्चर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कल्चर की हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके सबसे बड़े एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से करेंट अफेयर का जो पक्ष होता है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी है, तो एकदम छोटी छोटी घटनाओं पर पहले ध्यान न देकर आपको सबसे बड़ा जो घटना है, सबसे बड़ा जो इवेंट चल रहा है वहाँ से शुरू करके और तब माइक्रो लेवल पर जाना है, राइट। ये तो समान रूप से आप जब कभी भी तैयारी करना शुरू करें तो इस अप्रोच को फॉलो करना है। अब ध्यान ही रखना है कि अगर आप अपनी बायोडाटा को ध्यान से देखें और उसको बार बार देखने का प्रयास करें। अब बायोडाटा को जब हम तैयार करते हैं और क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि देखो इंटरव्यू क्या होता है कि एक सामान्य बातचीत की प्रक्रिया होती है। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो कई बार यह होता है कि इंटरव्यू बोर्ड बड़ा सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछता है कि आप अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो है इंट्रोड्यूस करें, है ना, आपसे पूछा जाता है कि आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो कैसे इंट्रोड्यूस करें, राइट, एकदम माइक्रो से मैक्रो की ओर आपको जाना है, है ना। आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएंगे कि हमको इंट्रोडक्शन इस रूप में प्रस्तुत करना है। अब जब इंट्रोडक्शन हम प्रस्तुत करने जाते हैं तो चूंकि बायोडाटा के अंतर्गत डैप के अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है जेपीएससी को प्रोवाइड किया है, राइट, उन सूचनाओं में सारी सूचनाओं को हम एक मिनट में या दो तीन लाइन में हम नहीं बता सकते हैं। और इसलिए जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो समान प्रक्रिया है कि आप तो अपने नाम को बताएंगे ही कि मेरा नाम ये है, राइट। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी लगाते हैं, राइट, और उसके बाद जो है अपने गांव, अपने जिला और अपने राज्य की बात करते हैं, ये माइक्रो लेवल पर बात करते जाते हैं। देखिए जेपीएससी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पिता का नाम भी वहाँ पर है, राइट, या आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं। नाम के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से आप अपनी पर्सनालिटी को दिखाते हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर बात करना है
अपनी एजुकेशन की बात करना है, राइट। और देखो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको माइक्रो से मैक्रो जाना है, तो एजुकेशन में यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हायर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना है ना। जैसे मान लिया जाए कि आप का नाम जो है शिवचरण मांझी है, राइट। तो आपने कहा कि सर, मेरा नाम शिवचरण मांझी है, मैं दुमका से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमटेक किया है इस विषय में, और मैं अभी फ़िलहाल इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ, राइट। देखो, ये चार पांच इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि पूरा इतिहास भूगोल आपको बताना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है, जहां आप इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे हैं, या कोई भी मान लो कि आपका नाम श्याम प्रकाश है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा नाम श्याम प्रकाश है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं कुल्हान क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी कर रहा हूँ, क्लर्क के पद पर हूँ या शिक्षक के पद पर हूँ। या मान लिया जाए कि आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, आप पूरी तरह से छात्र हैं, तो आप सिंपली कहेंगे कि मैं अभी JPSC की तैयारी कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन उसमें मेरा नहीं हो सका, इस बार मैं पूरी आशान्वित हूँ कि मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊँगा, राइट। यानी कहने का मतलब है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन के आपने प्रिपरेशन कर रखा है, आपने उसकी तैयारी कर रखी है। तो जैसा कि हमने बात किया कि आपको अपना नाम तो बताना है, तो बायोडेटा में जब माइक्रो लेवल पर हम जाते हैं, तो माइक्रो लेवल पर हम जाते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मान लो कि आप अपना नाम बताते हो, राइट, ठीक है, आप अपना नाम बता रहे हो, तो नाम बता रहे हो तो उस नाम के मीनिंग को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने एक सामान्य रूप से बात किया कि किसी का नाम शिवचरण मांझी हो सकता है, किसी का चंदन मांझी हो सकता है, किसी का श्याम हो सकता है, किसी का मनोज मांझी हो सकता है, या मुंडा हो सकता है, उड़ाव हो सकता है, तो अलग अलग लोगों का नाम अलग अलग हो सकता है। आपको अपने नाम को प्रिपेयर करना है। अब कैसे प्रिपेयर करना है कि एक तो जो आपका नाम है इसके मीनिंग को देखना है, पहला चीज़ कि शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। अब झारखंड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि झारखंड JPSC के अंतर्गत रीजनल लैंग्वेज का एक पेपर भी आप दे रहे हैं, और झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के रीजनल लैंग्वेज हैं, तो जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं या सदान लोग हैं, उनके नाम में उनका जो रीजनल लैंग्वेज है उसका रिफ्लेक्शन भी होता है। तो हो सकता है वो पूछ दें कि अगर आप संथाल परगना से बिलोंग करते हैं और आपका नाम संथाली भाषा से रिलेटेड है, तो पूछ दें कि संथाली भाषा में आपके नाम का क्या मीनिंग है, राइट। बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह से मान लिया जाए कि आप उड़ाव जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो आपसे पूछ देंगे कि कुरुक भाषा में आपके नाम का क्या मतलब है, क्योंकि आपका नाम जो है कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, और झारखंड JPSC के अंतर्गत जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर है वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि आप उसके प्रति अलर्ट रहें। तो एक तो ये बात हो गया कि उसका मीनिंग जानना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके नाम से अगर किसी पर्सनालिटी का नाम जुड़ा हुआ है, राइट,
तो उस पर्सनालिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसी परंपरा है कि हमारे जो हीरो होते हैं उन हीरो के नाम पर हम अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी का नाम शिवचरण मांझी भी हो सकता है। आपको मालूम होगा कि शिबू सोरेन जी का नाम शिवचरण मांझी था, राइट। और अभी एक बुक भी आया है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, राइट। तो अगर आपका नाम है या आपके नाम में सोरेन लगा हुआ है, चलिए शिवचरण मांझी ना होकर के आपका नाम सरोज सोरेन हो, राइट, या कोई ऐसा नाम हो जिसके साथ सोरेन जुड़ा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सोरेन जो टाइटल है ये क्यों लगाते हैं। तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि सोरेन जो है हमारा क्या है, टोटेम है। तो फिर टोटेम के बारे में भी आपसे जानकारी मांगा जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके नाम में अगर मुंडा लगा हुआ है तो आप ध्यान में रखिए कि बिरसा मुंडा के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रखना है, क्योंकि आप मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं। और इसका मतलब एक और है कि अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं, ध्यान में ये रखना है, ट्राइबल कैंडिडेट हैं, तो आपके नाम से ही पता चल जाए कि आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं, राइट। आपके नाम से ही पता चल जाएगा कि आप एक ट्राइबल कैंडिडेट हैं। तो अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं तो देखो, आपके नाम से ही एक बात यहाँ से पूछी जाएगी कि एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब है ना, इसका आप डिफिनीशन बताइए, राइट। शेड्यूल ट्राइब का आप डिफिनीशन बताइए। तो शेड्यूल ट्राइब का डिफिनीशन बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने बात किया है पढ़ने वाले स्टूडेंट से, बहुत सारे कम विद्यार्थी शेड्यूल ट्राइब का डिफिनीशन जानते हैं। और ये डिफिनीशन कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनीशन आपको देना है, राइट, जो कि आपके नाम से ही निकल रहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनीशन आप देंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल को भी आपको कोट करना है। यहीं से अगर आपने अपने इंटरव्यू की एक बेहतर प्रिपरेशन किया है, तो बेहतर प्रिपरेशन किया है तो उस प्रिपरेशन के अंतर्गत आप पूरी इंटरव्यू को अपनी ओर खींच लेंगे, राइट। यानी आपका नाम ही बहुत तरह का सेंस देता है कि उसकी तैयारी अगर आप ठीक ढंग से करते हैं तो उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके पर्सनालिटी को इस तरह से दिखाएंगे कि जो चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी हुई है उसके बारे में आप क्लियर कट और समग्र नॉलेज रखते हैं। दूसरा, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब हमने कहा कि हमें अपने एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन में बताना है, यानी कि आपको अपने एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, इस एजुकेशनल बैकग्राउंड की प्रिपरेशन करनी है, राइट, और बहुत बेहतर प्रिपरेशन करनी है। यानी वहाँ भी आपको माइक्रो लेवल से मैक्रो की ओर जाना है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर पॉलिटिकल साइंस से एमए है, हिस्ट्री से एमए है, ज्योग्राफी से एमए है, इकोनॉमिक्स से एमए है, या मेडिकल साइंस से बिलोंग करता है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो आपको इस बात का प्रिपरेशन करना है कि सवाल दो तरह के बनेंगे, राइट। एक सवाल कि जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनसे सवाल तो बनेगा ही बनेगा कि पॉलिटिकल जो साइंस है उसका प्रशासन में क्या रोल है, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रशासन में क्या यूटिलाइजेशन है। और दूसरा, जो प्रोफेशनल विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री लिया है, तो उनसे एक सवाल ये पूछे जाएंगे कि आप इंजीनियरिंग आपने किया है तो इंजीनियरिंग करके आप सिविल सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। मेडिकल साइंस से आपने किया है तो फिर सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, प्लस आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको आनी चाहिए, राइट। एक बार, मतलब मेरा कहना है कि अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हों तो कम से कम आप जो है एनसीईआरटी लेवल का नॉलेज जो है आपके पास होना चाहिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उस टर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए।
राइट, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि बेसिक बात भी पूछ सकते हैं, मैथमेटिक्स का बेसिक फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं, बहुत छोटी बात पूछी जाती है। देखो इंटरव्यू जो है नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल का, ये टेस्ट है। और ये जब टेस्ट है तो वहाँ पर जिस भी किसी विषय से आप बिलोंग करते हैं उस विषय के बैकग्राउंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और सही जवाब आपको देने आनी चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को तो प्लेस जो है हमें अपना बताना पड़ता है। अब देखो प्लेस के संदर्भ में ध्यान ही रखना है कि अगर आपका गांव बहुत पॉपुलर है ना, तो पॉपुलर है तो आप उस गांव को भी बता सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को बता सकते हैं या रीजन को बता सकते हैं। जैसे कोई संथाल क्षेत्र से है तो कह सकता है संथाल परगना क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई कुल्हान क्षेत्र से है तो कह सकता है कुल्हान क्षेत्र से आ रहे हैं, कोई कह सकता है कि उत्तरी छोटनागपुर के इस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से हम बिलोंग करते हैं, या कोई कह सकता है कि हम पलामू के इस डिस्ट्रिक्ट से इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। देखो क्षेत्र जो है जब आप कहते हैं, और ये सारी बात आप क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पर जो मेन उद्देश्य क्या है कि आप इसका प्रिपरेशन इस तरह से करें कि क्वेश्चन यहीं से शुरुआत हो, और क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होगी तो उसका आंसर आपके पास प्रिपेयर्ड है। ध्यान ये रखना है कि इंटरव्यू के कई ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि जो आपकी बायोडेटा है वो 70% आपका उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसकी तैयारी कर ली जाती है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, उसके माइक्रो से माइक्रो लेवल की चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसलिए जो जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, अब जैसा हमने कहा कि आपको रीजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, चाहे गांव से बिलोंग करें, ब्लॉक से बिलोंग करें, डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे रीजन हो, चाहे स्टेट हो, है ना, झारखंड स्टेट हो या झारखंड से बाहर के स्टेट हो, वहाँ के भी विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस रीजन के बारे में थोड़ा आपको डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है। कैसे डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है, तो जहाँ रीजन की बात आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, राइट। अब देखो ज्योग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मतलब कि मेंस का क्वेश्चन नहीं आप प्रिपरेशन करने लगे। ज्योग्राफी की जानकारी का मतलब क्या है कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, क्या उस रीजन में कोई नदी बहती है, उस नदी का कोई इम्पोर्टेंस है, क्या कोई हिल है वहाँ पर, क्या कोई झरना है जो बहुत फेमस है, क्या कोई फॉरेस्ट इलाका वहाँ पर है जो बहुत फेमस है, मतलब इस तरह की चीज़ जो कि कोई भी एक व्यक्ति जाता है आपके रीजन में तो उसको मोटा मोटी दिख जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको समझा दूँ कि जो लोग आपके इंटरव्यू लेते हैं उसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो कि स्टेट पीसीएस के भी ब्यूरोक्रेट होंगे, यूपीएससी के भी होंगे, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करके और झारखंड में आईएएस के रूप में, आईपीएस के रूप में सर्विस दिया है, वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या एजुकेशनिस्ट भी होते हैं। चूँकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, अपनी 20-25 बरस के जो उनके जो सेवा का लाइफ होता है उसमें लगभग अधिकांश ब्लॉक घूम चुके होते हैं। तो होता क्या है कि हम अपने रीजन के बारे में सोचते हैं कि हम तो जान ही रहे हैं, राइट, लेकिन कई बार वो लोग वहाँ पर पूछते हैं आपसे, आपके रीजन के बारे में पूछते हैं और उसके ज्योग्राफी के बारे में आप नहीं बता पाते हैं, राइट। ये ब्लंडर है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करना चाहते हो और आपका ध्यान इस पर नहीं गया तो आप क्या कर रहे हो, ब्लंडर कर रहे हो मेरे शब्दों में। और इसलिए मैं आपको स्पेशली उस पर फोकस करके बता रहा हूँ
कि आपको अपनी ज्योग्राफी को, अगर आजकल क्या एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं अपनी मूल जो उनका गांव है, मूल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर नहीं रहते हैं, राइट, मूल जो रीजन है वहां पर नहीं रहते हैं, वहां से माइग्रेट करके एजुकेशन के कारण, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हो सकता है आप झारखंड से बाहर भी रह रहे हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, झारखंड से बाहर अगर आप हो, या झारखंड में ही मान लो कि आप संथाल परगना से हो और या कोल्हान एरिया से हो और बहुत दिनों से आप अपने गांव नहीं जा रहे हो, अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं जा रहे हो, रांची में आप बैठे हुए, राइट, आपको इंटरव्यू देना है। मेरा आपसे सलाह है कि आप एक दिन के लिए अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट चले जाइए और ऑब्जर्व कर लीजिए चीज़ों को कि वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ज्योग्राफिकली इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है। क्योंकि बड़ा सिंपल पूछा जाता है कि अगर रांची से वहाँ जाना हो तो कैसे जाएंगे, है ना, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट उसमें मिलेंगे, राइट। मान लो रांची से हमें डाल्टनगंज जाना है तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट को पार करके हमें जाना हो, अगर हमको पश्चिम सिंहभूम जाना है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पार करके हम जाएंगे, और इस बीच कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें सामने मिलेगी रास्ते में, उसका इन्फॉर्मेशन आपसे वो कलेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए ज्योग्राफी को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद अगर बात करें कि उस रीजन के ज्योग्राफी के साथ साथ जो है वहाँ का इकोनॉमी, राइट, कि आपकी जो रीजन है, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, ठीक है, और उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, और मान लो आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना, और कृषक फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके रीजन में किसी खास चीज़ की कृषि की जाती है और आपसे पूछी जाती है कि भाई वहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है, उसकी क्या क्या समस्याएँ हैं, आप ये दो तीन इम्पॉर्टेंट समस्याएं आप बताइए और उसका सलूशन भी आप बताइए, तो आपको प्रैक्टिकली जब तक इस पे ध्यान आप नहीं देंगे तब तक आप क्या सलूशन उसका बताएंगे, है ना, आपको प्रैक्टिकल रूप में उसको ध्यान देना है। यानी इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट, अगर वहाँ एग्रीकल्चर है, वहाँ अगर इंडस्ट्री है, या वहाँ के जो कोई ट्राइबल ग्रुप है और वो कोई लोकल प्रोडक्ट तैयार करता है उसके बारे में, या कोई ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जिसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या सोशल ग्रुप है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, तो फिर ये इशू आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और ये आपके बायोडेटा से कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम ये बात आज जो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पर्सनली आपको क्या तैयार करनी है, है ना, हम लोगों ने स्टूडेंट सर्किल में क्या फॉर्मेट बनाया है कि हम आपको 6 जुलाई से पर्सन टू पर्सन आपका प्रिपरेशन कराएंगे। यानी एक स्टूडेंट, उस एक स्टूडेंट का पूरे जो बायोडेटा है, उस बायोडेटा से रिलेटेड, उसके रीजन से रिलेटेड, उसके सोशल जो सिस्टम है उससे रिलेटेड सारे चीज़ों का प्रिपरेशन करा करके और आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे। क्योंकि हमारी जो टीम है इसके अंतर्गत एकेडमिशियन भी हैं, हम लोग जो एक्सपर्ट हैं सिविल सेवा के वो हैं, और बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट सर्कल के जो फर्स्ट JPSC से ही जो लोग क्वालिफाई किए हुए हैं आज वो एक अच्छे अनुभव के साथ हैं, राइट, लगभग उनके पास 20 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है, वो आपके साथ रहेंगे, फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी रहेंगे, और 1-to-1 हमने प्लान किया है बायोडेटा की तैयारी कराने का, राइट। क्योंकि ये अब जब आप ये मेंस पास कर जाते हैं तो फाइनल पास करने के लिए हमको 100 में 80 मार्क्स मिल जाए, 75 मार्क्स मिल जाए तो हम निशंदेह क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसलिए हम लोग जो है खासकर स्टूडेंट सर्किल में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंटरव्यू को साइंटिफिकली हम कैसे प्रिपरेशन करें, और चूंकि इंटरव्यू 1-by-1 होता है, पर्सनल होता है, इसलिए हम लोग आपके जो बायोडेटा है अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम उसका प्रिपरेशन कराएंगे, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखना है,
तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आपको नॉलेज रखना है। देखो डेमोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हाल के दिनों में ये और भी इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे इससे जो सोशल एस्पेक्ट है उसके अंतर्गत आप किन किन चीज़ों को करेंगे। तो डेमोग्राफी, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें कास्ट सेंसस का मुद्दा और इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे का मुद्दा बड़ा हाईलाइटेड था। तो आपको तो अपने एरिया के डेमोग्राफी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब डेमोग्राफी की बात करते हैं तो इस डेमोग्राफी के साथ साथ आपके एरिया में जो सोशल ग्रुप हैं, अलग अलग जो सोशल ग्रुप हैं, उन सोशल ग्रुप की कंडीशन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से आप का जो यूनिकनेस ऑफ कल्चर है, राइट, इस यूनिकनेस ऑफ कल्चर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको खुद ही प्रिपरेशन करना है। और अगर आपने बुकलेट बना लिया इस तरह का, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको बना के रखना है। इसके अलावा अगर आपके रीजन में कोई पर्सनालिटी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये पर्सनालिटी हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं और प्रेजेंट भी हो सकते हैं, ध्यान ये रखना है कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटी भी, और साथ ही साथ आप अपने लोकल हिस्ट्री के बारे में भी ध्यान में रखें, क्योंकि हम लोग JPC की तैयारी करने के अंतर्गत झारखंड के इतिहास को भी पढ़ते हैं, और उसके पढ़ाने का उद्देश्य है कि आप अपने लोकल जो इतिहास है उस लोकल इतिहास के बारे में भी जानकारी आपके पास हो। हम यहाँ बात करें लोकल पर्सनालिटी के बारे में जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हो सकता है, जैसे जो लोग संथाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन्हें सिद्धू कान्हू चंद भैरव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो लोग बिरसा मुंडा के एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, खूंटी के इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उनको बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो लोग गिरडी के पास जो धनबाद इलाके में टूंडी एक जगह है, उस टूंडी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको शिबू सोरेन जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत कम आजकल के विद्यार्थी जो हैं अपने नेशनल जो उनके जो हीरो होते हैं उस हीरो के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। टूंडी का इलाका जो है शिबू सोरेन जी का कर्म भूमि था। जब आप उसको देखेंगे तब जान पाएंगे कि शिबू सोरेन जी क्यों ट्राइबल हीरो हैं झारखंड के। आपसे पूछा जा सकता है टूंडी से बिलोंग करेंगे तो, अगर पारसनाथ इलाके से हैं तो पारसनाथ यानी कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और प्रजेंट में झारखंड के कोई पर्सनालिटी हैं, जैसे आप देखोगे कि खेल के क्षेत्र में झारखंड के बहुत सारे युवा बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। तब जाकर के आपका ये पर्सनल जो एरिया है इसके इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को आप प्रिपेयर कर पाते हैं। अब देखो इसके साथ साथ और भी पर्सनल लेवल पर आपको तैयारी करनी है, और चूंकि पर्सनल बायोडाटा की तैयारी हम पहले से ही कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाके तैयारी करेंगे, हम पहले से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये आता है, है ना, कि आप जो है JPSC के अंतर्गत जो पोस्ट है यानी सिविल सर्विसेज जो है इसमें क्यों आना चाहते हैं। बहुत सिंपल है, है ना, आपका यूनिक जवाब होना चाहिए, राइट, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चनायर बना के रखना होगा। दूसरा कि आपका पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, है ना, क्या पर्सनल आपका स्ट्रेंथ है, क्यों हम आपको लें। तो आपका स्ट्रेंथ तो दिखाना पड़ेगा ना कि स्ट्रेंथ आपके अंतर्गत क्या है। और जब सिविल सेवा के लिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि सिविल सर्विसेज का जो वैल्यू है, इस पद का जो वैल्यू होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए,
यानी कुछ शब्द, कुछ टर्म आपको याद होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी है, इंटीग्रिटी है, कंपेशन है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, राइट। हम लोगों के प्रति इमोशनल हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की क्षमता हमारे पास है, इसलिए हमें इसमें सेलेक्ट किया जाना चाहिए। हम इस पर डिटेल बात भी करेंगे, आज हम केवल आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों के साथ, राइट। इसके साथ साथ क्या आपको करना है कि आपको जो भी आपका बायोडेटा है इससे रिलेटेड क्वेश्चनायर जो है आपको तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करनी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चनायर जो पर्सनल बायोडेटा से अगर आप क्वेश्चनायर तैयार करने जाओगे तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ आता है पोस्ट प्रेफरेंस, राइट। यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे इंटरव्यू का उसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, और पोस्ट प्रेफरेंस भी आपका पर्सनल होता है क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग पोस्ट को हाईलाइट करते हैं, है ना। जैसे आपने डीएसपी को दे दिया पोस्ट प्रेफरेंस में तो आपसे तो एक नॉर्मल प्रश्न पूछा जाएगा ना कि आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, है ना। इसका जवाब ऑलरेडी तैयार रखना है, तैयार करके रखना है, और जब आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इन सारे सवालों का जवाब जो है हम लोग आपको परफेक्ट मैनर में बताएंगे। तो एक तो पर्सनल से रिलेटेड जो चीज़ें है उसमें सारी चीज़ों को, इवन की लैंग्वेज जो आपका लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना है तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसके साथ साथ अगर सोशल ग्रुप के अंतर्गत मान लो कि आप एसटी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, साधारण से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो, तब पर भी आपको एसटी, एससी, साधारण, जनरल यानी जो झारखंड की अपनी यूनिकनेस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं ध्यान देते हो तो फिर आप अपने आप को सिलेक्शन से बाहर कर रहे हो। साथ ही साथ मान लो जिस ट्राइबल ग्रुप से आप बिलोंग करते हो उसकी यूनिक कल्चर क्या है, ये तो आपको प्रिपेयर करके रखना है, राइट। उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपकी जो जिस पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नाम में जो टाइटल है वो बता देता है कि आप किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर जो है आपसे उसके यूनिक कोई आइडेंटिटी जो है उस आइडेंटिटी को पूछा जा सकता है, उनके पर्व त्योहारों के बारे में पूछा जा सकता है, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक तो मोटा मोटी जो है बायोडेटा से रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। दूसरा हमने कहा कि सोसाइटी है ना, कि एज ए पर्सन आपका जो व्यक्तित्व है अगर सिविल सेवक के अनुरूप है तो आपको सोसाइटी में जाकर काम करना है, राइट। और सोसाइटी में जाकर काम करते हैं तो यहाँ पर सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, राइट। तो सोसाइटी के डाइवर्सिटी को आपको समझना है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को आपको समझना है, मेजर प्रॉब्लम है ना। बहुत सिंपल पूछा जा सकता है कि अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड के समाज का 3 मेजर समस्या आप बताइए और उसका सलूशन भी बताइए। ये आम तौर पर कॉमन जो है क्वेश्चन होते हैं। तो जब सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो पहले स्टेट को ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर आप अगर अपने स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना, हेल्थ के सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन के सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम है, सोशल डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम है, वीमेन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, जो वीमेन स्टूडेंट है यानी जो लड़कियां हैं उनको वीमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास करी, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो सोसाइटी के प्रॉब्लम उसके सोल्यूशन, राइट। अब सोसाइटी को जैसे हमने कहा कि आपको केवल सोसाइटी में सोसाइटी नहीं है, इसके साथ
आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी जुड़ा हुआ है कि आपका जो झारखंड की इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट इसके प्रॉब्लम है, क्या क्या पोटेंशियल है ना, झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उसके पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। एक और जो मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम है झारखंड में कि कई क्षेत्रों में नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, तो नक्सलिज्म का प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से झारखंड में है और इसका लोकल कोई यूनिक जो है प्रॉब्लम के कारण और सलूशन आपको बतानी होगी, जो किताबों के आधार पर नहीं, प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल आप नॉलेज गेन करते हैं तो उसमें आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, कई बार पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूँकि अभी अभी जो है इलेक्शन हुआ है तो झारखंड के लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उस वोटिंग बिहेवियर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। झारखंड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स क्या हैं, वेलफेयर मेजर्स क्या हैं, है ना, और ख़ास करके ट्राइबल के संदर्भ में तो ट्राइबल के लिए वेलफेयर मेजर जो है वर्तमान सरकार या तो स्टेट सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार हो, कौन कौन से मेजर वेलफेयर के काम शुरू किया गया है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एक तरह से आप जो है अपने आप को सफल छात्रों के लिस्ट से बाहर कर रहे हैं और इस सबका क्वेश्चनायर बनाकर रखना है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि कल्चर है ना, झारखंड जो है अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है झारखंड की, और झारखंड की जो विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि जब जेपीएससी की आप तैयारी करते हो तो पीटी लेवल पर भी झारखंड के कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसमें भी ट्राइबल कल्चर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, राइट। तो झारखंड का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उस कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिकनेस, अलग अलग रीजन का अलग अलग यूनिक कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ झारखंड का से रिलेटेड जो है करेंट अफेयर, राइट, एक ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है और करेंट अफेयर को बहुत ब्रॉड लेवल में लेके जाना है, राइट। इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी आपको ध्यान में रखना है, मेजर मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैक्रो से माइक्रो लेवल की ओर हमें आना है। इंटरनेशनल करेंट अफेयर में आप जैसे यूक्रेन रशिया जो वार चल रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि उसके क्या क्या सीक्वेंसेस उसमें हुए हैं, इसराइल फिलिस्तीन जो अभी चल रहा उसमें भी, या भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत चाइना के संबंध, भारत अमेरिका के संबंध, जो भी इंटरनेशनल मेजर इवेंट है उस मेजर इवेंट पर आपको ध्यान देना है। उसी तरह से जो हमारा नेशनल लेवल का इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसमें सोशल सेक्टर से भी, इकोनॉमिक सेक्टर से भी, पॉलिटिकल सेक्टर से भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी, और साथ ही साथ ज्योग्राफी के संदर्भ में, इन्वायरमेंट के संदर्भ में, इकोलॉजी के संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना है। झारखंड के भी जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि झारखंड भी, झारखंड में रांची जो है वाटर प्रॉब्लम जो है हमारे शहरी क्षेत्रों का एक बहुत बिग प्रॉब्लम के रूप में सामने आया है। हम झारखंड में रांची में भी उसको सफ़र करें और दिल्ली में भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इस पे ध्यान होना चाहिए और अगर आप समग्र रूप में इस तरह की चीज़ों को लेकर के और क्वेश्चनायर बनाएं, ठीक है, क्वेश्चनायर बना करके कुछ तो एकदम से सटीक आंसर उसका है, उस आंसर को तैयार करके और उन चीज़ों को रखें और उसके साथ सोशल और करंट अफेयर को कनेक्ट कर लें तो निसंदेह आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएंगे। और हमारी जो प्रयास है
यही प्रयास है कि आप में से जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ हम लोग 6 जुलाई से काम शुरू करेंगे। पर्सन टू पर्सन हमारा जो वर्क है, एक पर्सन पर हम उसको एक समय बुलाएंगे, उनकी बायोडेटा का पूरा प्रोग्राम जो है पर्सन टू पर्सन होगा। और इसके अलावा हमारे पास कुछ क्लास यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारे एक्सपर्ट भी होंगे और ब्यूरोक्रेट भी होंगे जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, है ना। जो लोग JPSC का इंटरव्यू लिए हैं उस तरह के एक्सपर्ट भी से हम आपको रूबरू कराएंगे। और अगर आप इतना सीरियसली अगर 6 जुलाई से करना शुरू कर दें तो निस्संदेह हम इंटरव्यू में आप एक बेहतर परफॉर्मेंस देने की वादा कर सकते हैं और आप निस्संदेह सफल होंगे। और इसी के साथ जो है आज की चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है कि आप आइए स्टूडेंट सर्किल के साथ जुड़िए। फिर एक बार पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।